औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगों में मजदूरों का जमकर शोषण हो रहा है। ताजा मामला बद्दी के वर्धमान ग्रुप की महावीर स्पिनिंग मिल का है, जहां पर स्पिनिंग मिल में काम करने वाली महिला कर्मी ने कंपनी मैनेजमेंट पर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बद्दी के वर्धमान ग्रुप की महावीर स्पिनिंग मिल में काम करने वाली एक महिला कर्मी ने कंपनी मैनेजमेंट पर शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा जबरन महिलाओं से 12 से 16 घंटे काम लिया जा रहा है और जब अवकाश भी होता है तो भी उन्हें बुलाकर 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि जब कोई कर्मचारी इसका विरोध करता है तो कंपनी मैनेजमेंट उसे जबरन इस्तीफा लेकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। पीड़िता ने कहा कि जब उसने इसका विरोध किया तो 4 जून को कंपनी मैनेजमेंट द्वारा पहले तो उसे जबरन इस्तीफा लिया गया और उसके बाद उसको बंधक बनाकर एक ब्लेरो कार में 3 से 4 लोगों के साथ घर फगवाड़ा छोड़ दिया गया। पीड़िता का कहना है कि वे कार में जाते हुए काफी चीख पुकार कर रही थी, लेकिन उन लोगों द्वारा उसकी एक ना सुनी गई और जब उसे उसके घर फगवाड़ा छोड़कर आए तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे धमकी दी है कि यदि उसने इस मामले के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने बद्दी में महिला पुलिस थाना और लेबर ऑफिस में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। स्पिनिंग मिल में 1 साल से काम करती थी और मेरे साथ इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे को टॉर्चर किया। 12-12, 16-16 घंटे ड्यूटी करवाते थे और ऑफ ड्यूटी पे भी बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो इस बात के लिए वो चिढ़ते थे और जब भी कोई चीज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो ये हर बंदे को ऐसे ज़बरदस्ती रिजाइन करवा देते हैं। इन्होंने कई बंदों के ज़बरदस्ती रिजाइन करवाए और ज़बरदस्ती रिजाइन करवाना इनकी हैबिट बन चुकी है। ना किसी से डरते हैं, वो मैडम बोलती है, राज मैडम बोलती है कि ऐसे मामले हमने बहुत सारे सुलटा रखे हैं। 4 जून को सर इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाया और मेरे को टॉर्चर किया 4 बंदों ने और गाड़ी में बिठा के घर छोड़ गए। और जब मेरे को घर छोड़ा तो मेरे को बोले कि हमारे खिलाफ़ कुछ बोलना नहीं है, अगर कुछ बोला तो हम आपको मरवा देंगे, हमारे पास गुंडे भी है, सारा कुछ है। तो फिर मैंने एक पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट दी और एक मैंने कंप्लेंट करी लेबर कोर्ट में इनके खिलाफ। तो मेरे साथ मेरे को न्याय दिलाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो भी मेरे साथ हुआ, मैं ना तो मेरी ये पेमेंट दे रहे हैं, ऐसे बोले झूठ के हमने आपकी पेमेंट भी दे दी, पेमेंट भी नहीं दे रहे तो भी बोले मेरे अकाउंट में अभी तक कुछ नहीं आया और मेरे को ड्यूटी पे रखा जाए, मैंने काम करना वहाँ पे तो मेरी पेमेंट भी दी जाए। इस बारे में जब कंपनी के एचआर मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़िता से किसी भी तरह का जबरन इस्तीफा नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मी द्वारा खुद ही अपना इस्तीफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मी ने खुद ही अपना इस्तीफा दिया और ज्यादा सामान होने की बात कहकर खुद ही कंपनी की गाड़ी में फगवाड़ा छोड़ने की बात कही थी और कंपनी द्वारा महिला को गाड़ी में फगवाड़ा छोड़ा गया था। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। केयर टेकर हमने इसको लगाया था, लेकिन इसका व्यवहार लड़कियों से ठीक नहीं था। 5-6 लड़कियों ने हमें कंप्लेंट भी करी इसके व्यवहार के बारे में, लड़कियों को डांटना अननेसेसरली, लड़कियों से झगड़ा करना, ऊंची नीची बात बोलनी, इस तरह का इसका व्यवहार था लड़कियों से, जो लड़कियों ने रिटर्न में कंप्लेंट की है। उसके बाद जब कंप्लेंट आई तो मैंने इसको बुला करके स्पेशली बोला कि रेनू ऐसा है, यहाँ तुम्हारी कंप्लेंट है, तुम ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें जो है ना कंप्यूटर पे शिफ्ट कर देता हूँ, अच्छे जॉब है, तेरे को ट्रेनिंग देंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे और तुम जो है ना वहाँ पे काके काम करो, सारी उम्र काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अड़ियल हो गई जी, ये कहने लगे कि बोला नहीं मैं तो यही करूँगी। अब देखो इस तरह से तो जो है ना अड़ जाएगा कोई आदमी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना चलेंगी नहीं जब तक कि जो है डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे। 16 मई को रिजाइन करने के बाद मैं इसको फिर लगा रहा, परसुएड करने समझाता रहा कि तुम कंप्यूटर पे आ जाओ, मैं तुम्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दूंगा, बंदा स्पेशल लगा दूंगा ट्रेनिंग के लिए जो तुम्हें इस कंप्यूटर सिखाएगा। उसके बाद भी जो है ना ये अपनी जिद पे अड़ी रही कि मैंने तो यही काम करना है। 4 जून को ये मेरे ऑफिस में आई और मेरे को कह रही मेरा सर जो है ना आज ही मेरा हिसाब कर दो और मेरी 1 महीने की जो है ना आप मदद भी कर देना। मैंने सर 4 जून को इसका फिर जो है ना डिजाइन एक्सेप्ट किया और इसको जो है ना
एक महीने की मैंने मदद भी कर दी। फिर इसने रिक्वेस्ट करी कि बोला सर मेरे पास सामान ज्यादा है, मुझे आप गाड़ी दे के घर भी छुड़वा दो। मैंने गाड़ी भी दे दी और घर इसको छोड़ के आई, गाड़ी हमारी स्पेशल एसी गाड़ी थी। वहीं इस बारे में जब पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़िता की ओर से एक शिकायत तो बद्दी महिला थाना में दर्ज करवाई गई है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।